दुनिया में ऐसे कई रेलवे ट्रैक हैं जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खतरों और रोमांच से भरे हुए हैं। कमजोर दिल वाले इंसान तो इन रूटों पर यात्रा भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैकों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, साल्टा पोल वेरिलो ट्रैक अर्जेंटीना। साल्टा को चिल्ली पोल वेरिलो से जोड़ने वाला 217 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक, इस खतरनाक ट्रैक को बनाने में तकरीबन 27 साल लगे थे। आम पब्लिक के लिए ये रेलवे ट्रैक साल 1948 में लागू किया गया। ये रेलवे ट्रैक 42 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक के जरिए ट्रेन 29 पुलों और 21 सुरंगों को पार करती हुई जाती है। इस ट्रैक को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। नंबर 2, एसो मियामी रूट जापान। मियामी एसो मार्ग जापान में सबसे चुनौतीपूर्ण रेल पटरियों में आता है, जो माउंट एसो के आसपास के क्षेत्र को पार करता है। साल 2016 में कुमामोटो में भूकंप आने के बाद ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और तब से इस मार्ग का उपयोग बहुत कम हो गया और आसपास में उबलते ज्वालामुखी इस रेलवे ट्रैक को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। नंबर 3, चेन्नई टू रामेश्वरम रूट। विदेशी ही नहीं, भारत में एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहाँ दिल थाम कर लोग यात्रा करते हैं। चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ने वाला चेन्नई से रामेश्वरम रूट दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवेंचरस रेलवे ट्रैक में शामिल है। इस रूट का ट्रैक, जिसे पवन ब्रिज भी कहते हैं, हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है, जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण 1914 में किया गया था और आने वाली लहरें इन ट्रेन यात्राओं में रुकावट पैदा करती हैं। नंबर 4, नोज ऑफ द डेविल इक्वाडोर। नोज ऑफ द डेविल इक्वाडोर को नार्ज डेल डियावेल के नाम से भी जाना जाता है। नोज ऑफ द डेविल समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये दुनिया की सबसे डरावनी ट्रेन की सवारी में भी शामिल है। 1872 में शुरू हुआ इसका निर्माण 1905 में जाकर पूरा हुआ। इस पहाड़ से उत्पन्न समस्या को रोकने के लिए सरकार ने एक जिगजैग रेलवे का निर्माण किया, जो 12 किलोमीटर से कम समय में 5000 मीटर से अधिक चढ़ाई करती है। नंबर 5, व्हाइट पास और यूकोन रूट अलास्का। व्हाइट पास और यूकोन रूट अलास्का से व्हाइट हाउस यूकोन बंदरगाह को जोड़ते हैं। इस एडवेंचर ट्रैक का अनुभव करने के लिए लोग इस मार्ग से ट्रेन की यात्रा करना पसंद करते हैं। आपको बता दें, अलास्का के ट्रेन रूट पर आप सुंदर दृश्य तो देख सकते हैं, लेकिन ये अपनी 3000 फुट की ऊंचाई के लिए खतरनाक माना जाता है।